यहां पे सैलरीज की बात होती है, इन हुकूमत के अफसरान और हुकूमत के लिए आप बढ़ाने की सोचते हैं, कभी आपने वो गरीब के लिए सोचा है जो रेड़ी लगाता है? मैंने खुर्शीद साहब से कहा, मैंने कहा आपकी कितनी सैलरी है? कहते तीन लाख। जो लोग आपको ये ऐवान में सबसे ज्यादा लोगों को मुंतखब करके लाते हैं, उनके लिए खुदा की कसम कोई परवाह नहीं करता। उसका बिजली नहीं है, उसकी गैस नहीं है। सर, यहां पे सैलरीज की बात होती है, खाली आप सैलरीज इन हुकूमत के अफसरान और हुकूमत के लिए आप बढ़ाने की सोचते हैं, कभी आपने वो गरीब के लिए सोचा है जो रेड़ी लगाता है? कभी आपने उसकी जिंदगी बढ़ाने के लिए किया है जो गांव में, वहां पे आपके लिए 75% ऑफ द पीपल आर इन द रूरल एरियाज, 30% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन सिटीज, शहरों में रहते हैं। उनके लिए आप आसाइश के लिए, उन नौकर पेशा लोगों के लिए आप आसाइशें, तनख्वाहें, पेंशनें ज्यादा करने की सोचते हैं। जो लोग आपको ये ऐवान में सबसे ज्यादा लोगों को मुंतखब करके लाते हैं, उनके लिए खुदा की कसम कोई परवाह नहीं करता। उसका बिजली नहीं है, उसकी गैस नहीं है। सर, दो दो घंटे नहीं कि चार चार घंटे उसका लोड शेडिंग हो। अगर आप फिगर्स कहते हैं, आई हैव द फिगर्स ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको एक एक पेंशन पे भी जितने पैसे लगते हैं, जितना आपने तनख्वाहें बढ़ाई है, यहां पे मैं पूछ रहा था, मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा जी आपका ये जो मेरे चाचा ये सफेद कपड़ों में खड़े हैं, मैंने इनको कहा आपकी कितनी सैलरी है? इन्होंने कहा जी 1,50,000। मैंने खुर्शीद साहब से कहा, मैंने कहा आपकी कितनी सैलरी है? कहते तीन लाख। मैंने मुश्ताक साहब से कहा, मैंने कहा आपकी कितनी सैलरी है? इनका भी फिर हुए। बात यह है, मैंने फिर अपना भी, फिर मैंने ब्यूरोक्रेट 17 ग्रेड से लेकर 22, एक एक का यानी 22 का 6 लाख रुपए, ये खाली आप जो वो उनको सैलरी दे रहे हैं।